हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी मास्टर, जिसमें आज हम लोगों का जो न्यू सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सो आज हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक या मॉडर्न हिस्ट्री का मैं जो दूंगा कंटेन, जिसके बाद मैं उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। इसलिए आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के कंटेन या वीडियो बना रहे हैं। सो वीडियो सबसे पहले आप इसको देखें कि ये वीडियो आपको किस किस एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सबसे पहले देखते हैं PCS के प्रीलिम्स तक। दूसरा SSC में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, CGL, CPO, CHSL, MTS और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जो SSC कंडक्ट कराते हैं, उन सब एग्ज़ाम में ये जो हमारा कोर्स होगा ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और किस किस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कांस्टेबल में, पुलिस के, SI में और जुडिशियल, जितने भी लोअर क्लर्क या ये और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उन सब में आ सकते हैं जी। ये सब हमारे जितने भी है और भी अदर्स जो वन डे एग्जामिनेशन है, जो एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वन डे कंपटीशन या वन डे एग्जामिनेशन कंडक्ट जो होता है, उन सब में ये कोर्स जो फ्री ऑफ कोर्स होने वाला है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो आप देखते रहिए इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इससे रिलेटेड किसी भी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो आप देखते हैं हमारा कंटेंट मॉडर्न इंडिया की। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया में, वो है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने कहा है, जैसे कि औरंगजेब की डेट होती है उसके बाद ही जो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है 1526 में, ये ताश के पत्तों की तरह बिगड़ जाती है। जो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में, जो औरंगजेब की डेट के बाद, उसके बाद जो हम लोग कंसिडर किया जाता है किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कि किस तरह से यूरोपियन हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, जो बेसिकली ट्रेड करने आते हैं लेकिन ये ट्रेड से पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे कंटेंट में अगर देखते हैं, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, इसका माने क्या होता है, जितने भी स्टेट्स हैं जो मुगल से या पहले एंशिएंट टाइम से है लेकिन वो इंडिपेंडेंस उनको अनाउंसमेंट किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है, उसे ही कहते हैं राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चौथे टॉपिक है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो रिवोल्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांच नंबर में आते हैं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मींस क्या हुआ, ये जो टॉपिक है ये हम पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी एक कंटेंट या एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, किस तरह से हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। अब जो हमारा 6 नंबर का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की वजह से किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग।
जो 7 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 17वां नंबर हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। सोशियो रिलीजियन रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बाद जो हमारा 8 नंबर का टॉपिक रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये किस बारे में करेंगे, लोअर कास्ट के बारे में, ट्राइबल के बारे में, लेबर्स के बारे में और पीसेंट मूवमेंट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। जो क्या रहेगा, बेसिकली लोअर कास्ट, ट्राइबल्स, लेबर्स एंड पीसेंट मूवमेंट। आई थिंक इतना आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसलिए ऊपर वाला इरेज करता हूं। जो हमारा 9 टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में ऐड किया जाता है, इंडियन कैसे समझते हैं कि ब्रिटिशर्स हम लोग के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हम लोग का फायदा लूट रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और जो हमारा इस में लास्ट टॉपिक रहेगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडर्न इंडिया 1707 से लेकर 1947 तक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही ब्रीफ या बड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये जो हमारा है 10 टॉपिक तक, ये हमारा फर्स्ट फेज होगा। जो हमारा सेकेंड फेज है वो इंडियन फ्रीडम की तरफ जाएगा, जो हमारा जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसे हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट फेज था, अब हम लोग सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं। सेकेंड फेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हो जाएगा राइज या बर्ड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि किस तरह से लोग नेशनलिस्ट होते हैं और अंग्रेज के खिलाफ जाते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न होते हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बिफोर द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, इस्टेब्लिश बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग का INC रहेगा, जिसमें हम लोग INC के सेशंस के बारे में पता करेंगे, इनके प्रेसिडेंट के बारे में पता करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लोग 5 फेज पढ़ेंगे, 1-5 फेज इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा ये क्या बचेगा, गवर्नर जनरल एंड वाइसरो। ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। इन 1947 के बाद जो इंडिया अचीवमेंट करता है, क्या क्या हासिल करता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कैसे पाकिस्तान बनता है, कैसे बांग्लादेश बनता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग बोलेंगे अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ये है हमारा टॉपिक, ये हमारा कंटेंट जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इससे रिलेटेड किसी तरह का आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।